नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 अगस्त, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम नागरिकों को कई सेवाएं दे रही ऑनलाइन। टूरिज्म स्पॉट विकसित करने में लगे, पर्यटन विभाग को मिले 113 एकड़ जमीन। बिहार के सभी प्रखंडों में होगी अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति। ब्यूटी पेजेंट में बिहार को खास पहचान दिलाने वाली मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी का बयान। बिहार के विकास में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। अब IRCTC के माध्यम से भी ले सकेंगे नमो ट्रेन की टिकट। झारखंड के लिए खेलेंगे ईशान किशन। अब चले बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। CNPFO ने हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर निकाली भर्ती। कोयला खान भविष्य निधि संगठन यानी CNPFO द्वारा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और ग्रुप सी के अंतर्गत सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट starrating.col.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 130 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 सितंबर है। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने हिंदी इंग्लिश में मास्टर डिग्री, हिंदी ट्रांसलेशन में डिप्लोमा या 2 साल का अनुभव प्राप्त किया हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम नागरिकों को कई सेवाएं दे रही ऑनलाइन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आम नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इन ऑनलाइन सेवाओं में डिजिटल हस्ताक्षरित भू अभिलेख, ऑनलाइन दाखिल खारिज, ऑनलाइन भू लगान भुगतान, ऑनलाइन राजस्व न्यायालय, ई मापी, भूमि उपयोग प्रकार में परिवर्तन, राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, जमाबंदी में SMS अलर्ट चुनने की सेवा, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र जैसी कई चीजें शामिल हैं। इन सभी सुविधाओं का आप रैयत विभागीय पोर्टल state.bihar.gov.in/irc/citizenhome.html पर जाकर सिटीजन सर्विस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ब्यूटी पेजेंट में बिहार को खास पहचान दिलाने वाली मिस यूनिवर्स बिहार काजल चौधरी का बयान। मिस यूनिवर्स बिहार के लिए चयनित हुई काजल चौधरी से बिहारी न्यूज ने खास बातचीत की। इस दौरान काजल चौधरी ने कहा, मैं ये ताज पहनकर काफी गर्व महसूस कर रही हूँ। ये मेरे लिए एक बड़ा सम्मान है और अब हर साल लड़कियों को इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरणा मिलेगी। मैं इस मंच और जिम्मेदारी का उपयोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए करूंगी। हमें आप सभी लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, तभी मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर पाऊंगी। तो अगर आप भी बिहार की काजल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर इनके Instagram पेज पर जाकर इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ये उपलब्धि ना केवल काजल के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए भी गर्व की बात है। काजल की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि बिहार की प्रतिभाएं भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमक सकती हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे दरभंगा के बारे में। दरभंगा बिहार का एक जिला है जो मिथिला क्षेत्र के प्रमुख नगरों में से एक है। यहाँ आपको कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का समागम देखने को मिल जाएगा। यदि आप दरभंगा में घूमने का शौक रख रहे हैं तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ वे कौन से पर्यटन स्थल हैं जहाँ आप जा सकते हैं। दरभंगा के प्रमुख पर्यटन स्थलों में दरभंगा राजकिला, कुशेश्वर स्थान मंदिर, अहिल्या स्थान, मजार श्यामा मंदिर, शाही मस्जिद, किला घाट और कई ऐसी प्रसिद्ध जगहें शामिल हैं जहां आप घूम सकते हैं। अब बिजली कनेक्शन के लिए उद्यमियों को कार्यालय के नहीं लगाने होंगे चक्कर। बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब बिहार के उद्यमियों को इधर उधर या कार्यालय दौड़ने की जरूरत नहीं होगी। अब उद्यमियों को घर बैठे ही बिजली का कनेक्शन आम उपभोक्ताओं की तरह दे दिया जाएगा। इसके लिए बिजली कंपनी अपने स्तर से पूरी व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार ने उद्यमियों को घर बैठे ही बिजली उपलब्ध करवाने का ये फैसला बिहार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लिया है। दरअसल एक समीक्षा बैठक के दौरान ये बात सामने आई है कि उद्यमियों को बिजली कनेक्शन लेने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची जारी। राज्य के सरकारी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 के आधार पर मंगलवार को जारी कर दी गई है। ये चयन सूची अभ्यर्थी www.dlbihar.com पर जाकर देख सकते हैं। इसे देखने के लिए आपको अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉगिन करना होगा। तृतीय सूचना पत्र निर्गत की प्रक्रिया बुधवार से शुरू की जा रही है। वही आवंटित शिक्षण संस्थानों में नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू कर दी जाएगी। अभ्यर्थियों को आवंटन शिक्षण संस्थानों में नामांकन 20 अगस्त तक ले लेना होगा। यदि 20 अगस्त तक अभ्यर्थी नामांकन नहीं लेते हैं तो उनका अभ्यर्थित्व अगले चरण के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। इन आसान स्टेप्स से घर बैठे डाउनलोड कर सकते हैं ई पैन कार्ड। यदि आप ई पैन कार्ड लेना चाह रहे हैं तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। ई पैन कार्ड होने से हम आसानी से इसे अपने फ़ोन या लैपटॉप में रख सकते हैं और ज़रूरी पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कहीं खोने और फटने का डर भी नहीं रहेगा। इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर पोर्टल पर जाना होगा। फिर यहाँ क्विक लिंक्स पर जाकर क्विक एक्सेस में इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करना होगा। फिर आगे गेट न्यू पैन वाले विकल्प पर क्लिक करके आधार नंबर दर्ज करना होगा। फिर आगे मांगी जा रही सभी जानकारी भर देनी होगी। फ़ोन पर आए ओटीपी को दे दें। फिर आगे ईमेल आईडी और अन्य जानकारी को भर दें। अब सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। फिर डाउनलोड पैन लिंक पर क्लिक करके फिर इसे आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। टूरिज्म स्पॉट विकसित करने में लगे पर्यटन विभाग को मिले 113 एकड़ जमीन। भूमि एवं राजस्व विभाग के पुराने आंकड़े मिलाने के बाद पर्यटन विभाग को 113 एकड़ जमीन मिल चुकी है। आपको बता दें कि इस जमीन के रिकॉर्ड पर्यटन विभाग के पास नहीं थे। हालांकि बिहार में अभी कई जगहों पर टूरिज्म स्पॉट विकसित किए जा रहे हैं और बिहार में मौजूद प्रदेश के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग भी की जा रही है ताकि प्रदेश को इससे रोजगार और अच्छी कमाई मिल सके। इसके लिए 5000 एकड़ की भूमि बैंक बिहार सरकार राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने में मदद के लिए बना रही है। इसके तहत 113 एकड़ जमीन मिली है। इसमें सबसे ज्यादा जमीन नालंदा से आई है। नालंदा से 49 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मिली है। वहीं दूसरे नंबर पर सहरसा है। यहां से 22 एकड़ जमीन विभाग को मिले हैं। पीएम ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने वाले इतने लोगों ने नहीं बनवाया घर। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने वाले 52,000 लोग ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने इस योजना के तहत तीनों किस्तों की राशि तो ले ली है लेकिन अभी तक घर नहीं बनवाया है। ऐसे लाभार्थियों को ग्रामीण विकास विभाग ने 3 श्रेणियों में बांटा है, जिसमें श्रेणी ए में उन लोगों को रखा गया है जो राज्य सरकार की मदद से आवास पूरा करने के लिए इच्छुक है। श्रेणी बी में ऐसे लोगों को रखा गया है जिनके घर राज्य सरकार के सहयोग से पूरे नहीं किए जा सकते हैं और वसूली को लेकर प्रयास जारी है। वहीं श्रेणी सी में ऐसे लाभार्थियों को रखा गया है जो पलायन कर चुके हैं या उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके उत्तराधिकारी भी नहीं मिल रहे हैं। साथ ही ऐसे लोगों से वसूली भी संभव नहीं है। विभाग द्वारा लाभुकों को श्रेणी के अनुसार चिन्हित करते हुए सूची तैयार कर भेजने को कहा गया है जिससे आगे की प्रक्रिया की जा सके। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना का लाभ लेने वाले उन लोगों की संख्या सबसे अधिक है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके उत्तराधिकारी नहीं मिल रहे हैं। जमाबंदी सुधार के मामले में अंचलाधिकारियों पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डिजिटाइज्ड जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदनों पर अंचलाधिकारियों के लचर रुख पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं। उन्होंने कहा है कि वे परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आने वाले आवेदनों का प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करें, इसे रैयतों के लिए सुगम बनाएं। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव ने ये पत्र आवेदनों की ऑनलाइन समीक्षा के आधार पर लिखे थे। समीक्षा के दौरान पता चला था कि रैयतों की तरफ से साक्ष्य देने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन लौटा दिए गए या उसमें माफी की आवश्यकता बताई गई। बिहार के विकास में ऑस्ट्रेलिया करेगा मदद। ऑस्ट्रेलिया के महावाणिज्य दूत ह्यूग बॉयलान ने कृषि भवन में बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे से मुलाकात की है। ये मुलाकात शिष्टाचार मुलाकात रही। इस दौरान ह्यूग बॉयलान ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी संख्या में भारतीय लोग रहते हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ऑस्ट्रेलिया भी बिहार के विकास में सहयोग करने के इच्छुक है।
वहीं कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि ग्रीन हाउस प्रबंधन में तकनीकी प्रबंधन, जैव विविधता एवं सुरक्षा, हाइड्रोपोनिक मखाना के हार्वेस्टिंग एवं प्रसंस्करण, लीची के सेल्फ लाइफ बढ़ाने और स्मार्ट पैकेजिंग तकनीक, मृदा स्वास्थ्य आदि विषयों पर ऑस्ट्रेलिया से सहयोग की असीम संभावनाएं हैं। बिहार के सभी प्रखंडों में होगी अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति। बिहार सरकार प्रदेश के सभी प्रखंडों में अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। अभी हाल में ही अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों की नियुक्ति बिहार के 75 प्रखंडों में की गई है। इसका उद्देश्य है अल्पसंख्यकों के उचित भागीदारी को सुनिश्चित करना और इनके शिक्षा व रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण दिलवाना। इसकी जानकारी खुद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री ने मदरसा का आधुनिकीकरण किया था, राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द कायम है। उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक संस्थानों को सीएम नीतीश ने उर्दू भाषा का विकास करके मजबूत बनाया है। निजी तालाब के जीर्णोद्वार के लिए बिहार सरकार दे रही अनुदान। निजी तालाब के जीर्णोद्वार के लिए बिहार सरकार 30-40% तक अनुदान दे रही है। इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त है। इच्छुक उम्मीदवार fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्र के ऐसे तालाब जिसमें जीर्णोद्वार की आवश्यकता हो, उसमें उराही के द्वारा तालाब के जल धारण क्षमता को बढ़ाना, ताकि मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हो सके। सितंबर तक नियोजित शिक्षकों की होगी पदस्थापना। जिन शिक्षकों ने प्रदेश में सक्षमता परीक्षा पास की है, उन नियोजित शिक्षकों की पदस्थापना की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना के तहत अभी फिलहाल 1.87 लाख शिक्षकों की काउंसलिंग की जा रही है। इसमें अभी तक करीब 80,000 शिक्षकों की काउंसलिंग पूरी की जा चुकी है। उम्मीद है कि ये काउंसलिंग 30 अगस्त तक पूरा किया जाए। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होते ही ये नियोजित शिक्षक सितंबर के महीने से पदस्थापित कर दिए जाएंगे और इनकी पहचान विशिष्ट शिक्षक के तौर पर होगी। बिहार की बेटी स्थित साउथ इंडियन वेब सीरीज में आएंगी नजर। बिहार से अपना संबंध रखने वाले स्थित यामिनी ने मॉडलिंग के बाद फिल्मी दुनिया में अपना पहला कदम रखते हुए साउथ इंडियन वेब सीरीज में लीड रोल किया है। इस मलयालम सीरीज का नाम मनोरथंगल है। इसे OTT प्लेटफॉर्म पर 15 अगस्त को रिलीज किया जाएगा। आपको बता दें कि सीरीज में कुल 9 कहानियां हैं। ये सीरीज मलयाली के विख्यात लेखक MT वासुदेवन नैयर के 9 कहानियों पर केंद्रित है। आपको बता दें कि MT वासुदेवन नैयर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। इस सीरीज को संतोष सिवन द्वारा डायरेक्ट किया गया है। लगातार बारिश से बिहार में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। बिहार में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आज भी प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार में गोपालगंज, कैमूर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26-28 डिग्री रहने की संभावना है। नवादा की रजौली से विदेशी शराब के साथ पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र से 114 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शराब की ये बोतलें लग्जरी कार के इंजन में छिपाकर लाई जा रही थीं। तस्करों के इस कारनामे को देखकर पुलिस भी हैरान है। गिरफ्तार होने वाले तस्कर की पहचान झारखंड के हजारीबाग जिले के रहने वाले अब्दुल वहाब और रामपुर के रहने वाले सोनू पांडे के रूप में की गई। अगले महीने तक प्रदेश के 173 कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति हो जाएगी पूरी। अगले महीने से पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेजों में नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति होने वाली है। आवेदनों की स्क्रूटनी विश्वविद्यालय सेवा आयोग द्वारा शुरू की जा चुकी है। इंटरव्यू का कार्यक्रम 15 अगस्त के बाद से शुरू कर दिया जाएगा। नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति 173 कॉलेजों में सितंबर तक पूरी हो जाएगी। BRABU मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा 32 पदों पर बहाली होनी है। वहीं LNMU इस मामले में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कुल 28 कॉलेजों में प्राचार्यों की नियुक्ति की जानी है। अब IRCTC के माध्यम से भी ले सकेंगे नमो ट्रेन के टिकट। देश की पहली रीजनल ट्रेन नमो से यात्रा करने की इच्छा रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस ट्रेन का टिकट भी यात्री IRCTC के माध्यम से ले सकते हैं। पहले नमो ट्रेन के टिकट के लिए लंबी कतार में लगना पड़ता था, लेकिन IRCTC के माध्यम से यदि टिकट मिल जाती है तो लोगों के लिए ये सुविधा और भी आसान हो जाएगी। आप IRCTC के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर आसानी से अपनी यात्रा के लिए टिकट बुक करवा सकेंगे।
एमजीसीयू के दीक्षारंभ समारोह में छात्रों को राज्यपाल आरलेकर ने किया संबोधित। मंगलवार को मोतिहारी के महात्मा गांधी सभागार में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षारंभ समारोह था। इस समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आरलेकर भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नहीं पता कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी या नहीं। आज फिर लोग कहते हैं कि हम इसे सोने की चिड़िया बनाएंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि भारत सोने का शेर बने ताकि कोई भारत पर बुरी नजर ना डाल सके। मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी में 33% टिकट अति पिछड़ों को देने का किया ऐलान। विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ था। इस समारोह में दांगी समुदाय के सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान मुकेश सहनी ने सभी का अपनी पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पार्टी में इन सभी लोगों के आने से पार्टी और बड़ी व मजबूत होगी। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टी के साथ जुड़ने की उन्होंने अपील की और कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में वीआईपी 33% अति पिछड़ों को टिकट देगी। ये पार्टी के संकल्प में शामिल है। झारखंड के लिए खेलेंगे ईशान किशन। पिछले साल से ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। टीम इंडिया में उन्हें उस दिन से वापस नहीं लिया गया जब वे साउथ अफ्रीका दौरे के बीच में ही वापस भारत लौटकर आ गए थे। उसके बाद ईशान किशन ने कई बड़े मौके गंवा दिए, लेकिन अब ईशान किशन वापसी की राह में एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जल्द ही वे बुच्ची बाबू ट्रॉफी में खेलते दिखाई देंगे। इस ट्रॉफी में ईशान किशन झारखंड की कप्तानी करने वाले हैं। झारखंड के लिए खेलने के बाद ईशान किशन के टीम इंडिया में वापसी की उम्मीद बढ़ जाएगी। आपके मुताबिक ईशान किशन को अंतर्राष्ट्रीय मैच में जगह मिलनी चाहिए या नहीं, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1862 में बंबई उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आज के दिन वर्ष 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान पृथक राष्ट्र बना। आज के दिन वर्ष 1968 में मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से सम्मानित हुए थे। आज के दिन कुलदीप नैयर का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। आज के दिन वर्ष 1900 में एसके पाटिल का जन्म हुआ था। ये केंद्र सरकार के कई विभागों में मंत्री रह चुके हैं। जाने बीएसएनएल का ये सस्ता प्लान। भारत की सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने हाल ही में लाखों नए ग्राहक जोड़े हैं, खासकर तब जब प्राइवेट कंपनियां जैसे रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने जुलाई 2024 में अपने रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। बीएसएनएल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने सस्ते प्लान्स की पेशकश की है, जैसे कि 999 रुपए का वार्षिक प्लान जिसमें 600 जीबी डेटा, रोज 100 SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। ये प्लान प्रति माह केवल 166 रुपए के खर्च में आता है, जो प्राइवेट कंपनियों के महंगे प्लान्स से काफ़ी सस्ता है। उदाहरण के लिए जियो और एयरटेल के प्लान्स लगभग 299 रुपए और 349 रुपए के प्रति महीना है। हालांकि बीएसएनएल को नेटवर्क की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगर वो इनको सुधार लेता है तो प्राइवेट कंपनियों के सामने चुनौती पेश कर सकता है। टेलीकॉम ऑपरेटरों को ट्राई ने स्पैम कॉल्स को लेकर दिए ये निर्देश। टेलीकॉम ऑपरेटरों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने निर्देश दिया है वे उन व्यवसायों के बल्क कनेक्शन को डिसकनेक्ट और ब्लैकलिस्ट करें जो स्पैम गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ताकि स्पैम और धोखाधड़ी के बढ़ते कॉल्स को रोका जा सके। आपको बता दें कि धोखाधड़ी के इस कॉल से कई लोग परेशान हैं। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को स्पैम गतिविधियों में शामिल व्यवसायों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसमें रोबी कॉल्स, प्री रिकॉर्डेड वॉइस कॉल्स और धोखाधड़ी वाले SMS संदेश शामिल हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में देश के पहले राइस ATM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर उड़ीसा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी है तिमोर लेस्ते, ऑप्शन सी है चिली, ऑप्शन डी है पेरू। इसका सही उत्तर है तिमोर लेस्ते। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सीमा पर निगरानी रखने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है? ऑप्शन ए नेपाल,
ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए रामप्यारी देवी, ऑप्शन बी है राबड़ी देवी, ऑप्शन सी है राजेश्वरी सरोज दास, ऑप्शन डी है नईमा खातून हैदर। इसका सही उत्तर है राबड़ी देवी। बिहार के किस मंडल में केवल दो जिले हैं? ऑप्शन है पूर्णिया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है सारण, ऑप्शन डी है कोसी। इसका सही उत्तर है भागलपुर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, मोतीलाल कुमार, प्रकाश, दिव्यांशु, राजकिशोर महतो, विनय कुमार, अभिषेक, कस्तूरी शर्मा, शिव शक्ति, रामबाबू यादव, श्रुति दुबे, बाबूलाल मरांडी, नितेश कुमार सिंह, मंटू दास, शंभू रजक, रामनवमी मांझी, अंगद कुमार, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आपने वंदे भारत ट्रेन से सफ़र किया है? यदि हाँ तो आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।